केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की बहुत बड़ी खबर लगातार आ रही थी। काफी समय से ये सुख बुगाहट और संदेश लगातार सूत्रों के हवाले से हमारे पास यह खबर भी थी कि कैबिनेट की केंद्रीय कैबिनेट में बहुत बड़े चेहरे हो सकते हैं जिनको बदला जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब कहा जा रहा है कि प्रगति मैदान में मंत्री परिषद की बैठक अभी भी प्रधानमंत्री की जारी है। एक घंटे पहले ये मीटिंग शुरू हुई थी और तकरीबन डेढ़ घंटे का समय हो गया है, 5 बजे के आसपास ये कैबिनेट की मीटिंग शुरू हुई थी प्रधानमंत्री के साथ। डेढ़ घंटे का वक्त हो चला है क्योंकि 6:30 बजे का वक्त अभी हो रहा है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि जैसा कि हम अपने संवाददाता से भी बातचीत कर रहे थे अभी पीछे थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी बताया था कि बड़े चेहरे हैं जिन्हें बुलाया गया है, उनके टेन्योर का पूरा ब्यौरा मांगा गया है कामकाज का। कई बड़े चेहरे ऐसे होंगे जिनकी जिन्हें हटाया जा सकता है उनके पद से, और नए बड़े चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम पद में लाया जा सकता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 2024 से पहले ये जो मीटिंग चल रही है, क्या वाकई में इसमें इतने बड़े स्टेप्स, इतने बड़े कदम लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब ऐसे में हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी, थोड़ी देर पहले आप जानकारी दे रहे थे कि बड़े चेहरे होंगे जिसमें बड़े चेहरों को हटा करके बड़े चेहरे होंगे जिन्हें नए तरीके से मौका दिया जाएगा, और वो बड़े चेहरे होंगे जिन्हें हटाया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, कि उन्होंने क्या कुछ किया है अभी तक, काम का ब्यौरा मांगा गया है। हालांकि अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है, फिर भी क्या जानकारी? जी देखिए, अगर बता दूं आपको कि ये बैठक चल रही है और करीब 4:30 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, और करीब अगर बात की जाए तो दो मंत्रियों ने अपना जो प्रेजेंटेशन था, जो अपना वो कामकाज का ब्यौरा लेके आए थे, वो दे चुके हैं। 3 मंत्री और रहे हैं जिनको देना है। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, पूरा जो अगर सीनियरों की बात की जाए, जिस तरीके से आज बैठक हो रही है उसमें सभी केंद्र मंत्री हो या राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, सभी के सभी हैं। और इस बैठक में कौन, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मंत्री हो जिनका ये बैठक जो है वो आखिरी बैठक हो। पर प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो एनडीए का जो कुनबा टूट गया था उसको अब दोबारा से एक साथ लाया जाए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर अकाली दल हो, इन सबको साथ में लाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो साथ में आए और 2024 का चुनाव लड़े। इसी को लेकर आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और इसमें से जब जिनका कामकाज का अगर बात की जाए कि जो मंत्री के कामकाज से प्रधानमंत्री खुश नहीं होंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कुछ ऐसे मंत्री होंगे जिनको संगठन में जगह दी जाएगी। चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान को भी कैबिनेट में लाया जा सकता है। खबर ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप देखें कि एक बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे जो सहयोगी है अली सरार बता रहे थे कि बिहार में जिस तरीके से घटना हुई है, उसके बाद जब सुबह ही देखी दीजिए, चिराग पासवान ने भी कहा था कि वो जेडीयू के कुछ जो विधायक है वो लगातार मेरे संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में है, यानी कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भी लाया जा सकता है। हालांकि अगर मैं बताऊं आपको कि आज से 3 महीने पहले एक बड़े मंत्री के यहाँ पे मैं बैठा हुआ था जो संगठन से भी आते हैं, उन्होंने कहा था कि जो अगर बात की जाए जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के पास है, वो भी 6% जो वोट बैंक है बिहार में वो चिराग पासवान के साथ है। और चिराग पासवान अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा, 2024 के लिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में एक तरफ विपक्ष है, वहां अगर बात की जाए तो बीजेपी अलग अलग हो गई थी, अब वो चाहते हैं कि सारे जो एनडीए के घटक दल है उनको दोबारा से लाया जाए। और इस बैठक के बाद देखना होगा कि कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनको इस बार कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कौन से वो घटक दल होंगे जो इस बार कैबिनेट में शामिल होंगे। प्रीति, कोई चांस लेना नहीं चाहती है इस बार मोदी सरकार और साथ ही भाजपा। ऐसे में 2 महीने पहले ठीक कानून मंत्री किरण रिजिजू भी बदल गए, और ऐसे में वहां अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री की जिम्मेदारी संभाली, तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2024 लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में दूसरा टर्म पूरा कर चुकी भाजपा पार्टी, अब ऐसे में क्या बड़े चेहरों को लेकर के आएगी। जैसा कि आप भी अभी बता रहे हैं कि चिराग पासवान होंगे, तमाम बड़े लोग होंगे जिन्हें पार्टी अभी तरजीह देगी, क्या कहेंगे इस पर? और खबर वही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अगर संगठन की बात की जाए और सरकार की बात की जाए तो सरकार और संगठन दोनों मिला के चलते हैं, संगठन से ही सरकार चलती है।
आज भी अगर होता यही है कि अगर किसी अगर जिले में अगर खुद वहां पे गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर पार्टी अध्यक्ष जाए तो वहां पे जो जिला अध्यक्ष होता है वो उसको मेन कुर्सी दी जाती है, तो संगठन से सरकार चलती है। और इस बार ये चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार में जिन्होंने अपने लंबे समय तक साथ दिया है अब उनको संगठन में लाया जाए और एक मैसेज दिया जाए कार्यकर्ताओं के कि देखिए सरकार में तो काम कर रहे हैं अब उनको संगठन में भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए चाहे वो पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर जो जितने भी राज्यसभा सांसद है जिनका दो टर्म पूरा हो गया है उनको इस बार लोकसभा की तैयारी के लिए बोल दिया गया है कि इस बार आप लोग लोकसभा लड़ेंगे। यानी कि कार्यकर्ताओं में मैसेज है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता नहीं जो छोटे कार्यकर्ता है उनको भी हम राज्यसभा लोकसभा या विधायक या मंत्री बना सकते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं में चेहरे पे नहीं, इस बार लोकसभा चुनाव शायद बड़े कामों पर इस बार लोगों को पद दिया जाए कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है भाजपा के लिए उन्हें चुनकर लाया जाए और सिर्फ चेहरे के बूते इस बार भाजपा सीट और पद नहीं देना चाहेगी। देखिए जब भी लोकसभा चुनाव आता है तो पार्टी अपनी रिपोर्ट कार्ड मंगाती है, सांसदों की रिपोर्ट कार्ड अलग होती है, पार्टी का जो सर्वे होता है उसके रिपोर्ट कार्ड अलग होते हैं, जो जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर टिकट बांटे जाते हैं और उस रिपोर्ट को देखा जाता है कि आखिर सांसदों ने क्या क्या काम किया है। हालांकि इससे पहले भी जब बीजेपी पार्लियामेंट की बैठक हुई थी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि आप सिर्फ मेरे फेस पर ना जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, आप जनता से मुलाकात कीजिए, आप कार्यकर्ताओं के घर जाइए, कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीजिए, तभी कुछ हो सकता है, आप मेरे फेस पर कब तक चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने साफ एक मैसेज दे दिया था कि 2024 में इतने आसान नहीं होने वाले हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है। इस पर कई सांसदों के टिकट भी काटे जाएंगे जिनके काम से पार्टी ना खुश है ना और खुश जो है।